लग गया था, लोग सरयू में कूद गए, कोई इधर बज गया था, कोई उधर बज गया था, जूते चप्पल पर। वो इतना भीषण नरसंहार था कि आप उसकी कल्पना करिए कि वो नरसंहार अगर किसी व्यक्ति के सामने हो तो उसके ऊपर क्या बीते। उसके बाद कुछ सरकार में ऐसे पुलिस वाले भी थे, जैसे उदाहरण के लिए PSC वाले जो वहाँ थे, उन्होंने हमारी बहुत मदद की। उन लोगों ने हमको निकाल निकाल के गलियों के माध्यम से, जहाँ साधुओं के आश्रम बने थे, वहाँ तक हमको भिजवाया। और वहाँ तक भिजवाया तो वहाँ पे खिचड़ी चावल आने की पूरी उनकी व्यवस्था थी। और बेबी सब तो सांत्वना दे रहे थे कि आप लोग भोजन करिए, कोई घबराने की, जो होना है वो तो हो गया है। तो वहाँ हमको उन लोगों ने भोजन कराया। पर उससे पहले की एक घटना थी कि मैं और दिनेश मंगल दोनों एक तीन काट के किवाड़ लगे थे, तो उनके सामने दोनों पड़ गए। और एक बंदा पुलिस का गोली चार्ज कर रहा था, तो वो गोली, सत्य यह है कि वो कार सेवकों के ऊपर नहीं चला रहा था, गोली उसने चलाई, एक मेटाडोर खड़ी थी उसने, तो उसने काफ़ी एकदम धड़धड़ धड़धड़ गोली चलाई, तो उसकी तेज आवाज हुई। फिर उसने क्या किया कि हम जब भी दोनों खड़े, तो किवाड़ दुकान काफ़ी बड़ी थी, तो उसने हम लोगों को टारगेट नहीं किया, पर उन किवाड़ों में गोली थी। मैंने उनसे उस समय भी दे गई कि मैंने कि भाई साहब ये मजाक मत करो, गोली लग सकते। तो वो भी फिर हंस गया, तो उसने हमको, मुझे और दिनेश मंगल को निकाल के, अभी तो आप इधर से निकल जाओ। पर आप सत्य मानना, वो करीबन हमारे पास 8-10 घंटे थे, वो इतने भीषण थे, इतने संकट के थे कि हमको यह घर बार सब याद आ गया। पर एक लगन थी मन में कि हमको यहाँ पे मुलायम सिंह ने जो हमको चुनौती दी कि आप मंदिर इस मस्जिद में परिंदा भी पर रहेगा, तो वो संकल्प हमारा पूरा हुआ कि हमने उस बरबर ढांचे में तोड़ फोड़ की, उसको तोड़ा गया, उसका काफ़ी गुम्मत हमने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था उस समय। तो एक ये मन में संकोच था कि उसने कहा परिंदा भी पर नहीं मानेगा, लेकिन हम लोगों ने उसको तोड़ा। उसके कुछ समय बाद कुछ ऐसे वक्तव्य आए लोगों के द्वारा, कुछ अन्य पार्टियों में से भी, कुछ मुलायम सिंह जी की तरफ से भी, इस मस्जिद को दोबारा बनाया जाएगा। क्योंकि मुझसे भी पीछे कुछ वक्ता है, वो अपनी बात रखेंगे, तो बस मैं छोटी सी, मैंने दो पंक्तियाँ मुलायम सिंह जी को लिखी। आप विश्वास मानना, जिस समय मैं लखीमपुर खीरी कवि सम्मेलन में कविता पढ़ने गया, मुलायम सिंह का क्षेत्र, उस समय भी मैंने ये कही थी कि मैं अपनी पंक्ति पढ़ के जाऊँगा। उन लोगों को ये मालूम पड़ गई कि ये मुलायम सिंह के विरुद्ध कविता पढ़ने जा रही है और मुलायम सिंह का शासन था। उस समय भी मैंने ये कही कि मैं अपनी पंक्ति पढ़ के जाऊँगा, और उस समय ने मंच से ये पंक्ति पढ़ी। और मुझसे साथ के कवियों ने ये भी कहा कि मुलायम सिंह के जो समर्थक हैं, वोट के लिए ना अपने धर्म को ले जाइए, बाबर की बाबरी पे बाबरा तू होकर के, कहता है अवध के राम को हटाइए, बाबर का दम्ब हम धूल में मिला चुके हैं, मस्जिद के नाम एक ईंट भी लगाइए, और राम जी के भक्त तुझे देते हैं चुनौती आज, माँ का दूध पिया है तो बाबरी बना। ये पंक्ति मैंने उस समय लखीमपुर खीरी में कही।